असलम स्टूडेंट आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तलीम तरबियत की दुनिया मैं हूं मोहम्मद इकबाल स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज है एट बी इसका क्वेश्चन नंबर क्या है नाइन है इसके शुरू के क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चन है उनका लेक्चर कंप्लीट है उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं हर चैप्टर के अलग से प्ले बनी हुई है आप जाएंगे प्ले देखेंगे आप बुक का नाम देखेंगे उसका चैप्टर देखेंगे तो आपको वहाँ पर इससे रिलेवेंट तमाम लेक्चर मिल जाएंगे क्वेश्चन नंबर नाइन जो है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में दे दी है लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है मैं आपको साथ साथ जो है एक्सप्लेन करता जाऊंगा अब वो ना टोटल जो जर्नी है ना वो कह रहा है कि भाई तीन पार्ट में जर्नी है जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वो कह रहा है ना है वो क्या है कि टोटल फिफ्टी किलोमीटर का जो है फर्स्ट पार्ट है जिसमें स्पीड कितनी है ट्वेंटी फाइव मिनट पर सेकेंड है ठीक है फिर कहता है जो सेकेंड पार्ट है उसमें जो डिस्टेंस है वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोमीटर है और उसमें जो स्पीड है वो एटी किलोमीटर पर आर है यानी ये एवरेज स्पीड की बात कर लास्ट पार्ट जो जर्नी का है उसमें वो हमें कह रहे हैं कि नाइन्टी किलोमीटर पर आर जो है वो स्पीड है जबकि टाइम लगे थर्टी फाइव मिनट तो अगर देखें यहां पर अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो मेरे पास जो स्पीड का फार्मूला होता है ना स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन ठीक है जी टाइम मैंने टाइम लेती है टोटल तो तो तीन चीजें हमारे पास स्पीड में होती हैं एक हमारे पास स्पीड होती है एक डिस्टेंस होता है और टाइम होता है इन तीन इस जो उसका तो टोटल तो 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 जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है हुआ हुआ है यहाँ से ए से बी बी से सी एंड सी से डी तक की बात हो रही है तो ए से बी देखें तो दो चीज़ें दे रहा है दैट इज डिस्टेंस दे रहा है एंड स्पीड दे रहा है, है। दे रहा है टाइम हमने फाइंड करना है बी से सी जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी है उसने उसने हमें डिस्टेंस एंड स्पीड अगेन डिस्टेंस और स्पीड दे रहा है टाइम हमने फाइंड करना है लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज सी टू डी उसने हमें स्पीड दे दी एंड टाइम दे दिया हमने डिस्टेंस फाइंड करना और लास्ट पे जो हमसे वो पूछ रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी हमने एंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर इट्स एंटायर जर्नी गिविंग योर आंसर इन किलोमीटर पर आर भाई किलोमीटर पर आर में आंसर भी देना है और एंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड भी निकालनी तो हम पहले देख देख रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम टेकन टू ट्रैवल फर्स्ट 50 किलोमीटर कि यहाँ पर कितना टाइम लगे हम इसको देखते हैं तो इसमें उसने हमें क्या दे दिया एक तो उसने हमें डिस्टेंस गिवन दे दिया डिस्टेंस उसने हमें 50 किलोमीटर दे दिया जबकि जो स्पीड है वो वो भी उसने हमें दे दी वो 25 मिनट पर सेकंड दे दिया अब उसने हमें स्पीड दे दी दि? डिस्टेंस दे अब हम क्या लगाएंगे फा, फार्मूला जो है ना फार्मूला हमारे पास क्या होता है स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस डिड बाइड स्पीड इक्वल अब मुझे टाइम चाहिए तो तो इस तरफ आ जाएगा और उसके नीचे तो, फार्मूला कुछ इस शक्ल में आ जाएगा टाइम टू बाय ये स्पीड इसके नीचे जाके हो तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा स्पीड. अब देखें डिस्टेंस मेरे पास कितना है 50 है अब देख सकते हैं कि मैं 50 लिखूंगा अब, अब देखें तो 50 के साथ क्या लिखा हुआ किलोमीटर लिखा अब इस किलोमीटर की जगह में क्या कर दूंगा एक हज़ार मीटर लिख दूंगा क्योंकि एक किलोमीटर में एक हज़ार मीटर होता है इसलिए इस किलोमीटर की जगह मीटर लिख दिया नीचे मेरे पास क्या स्पीड है अब स्पीड मेरे पास क्या है ट्वेंटी फाइव मीटर पर सेकेंड है अब देखें कि मैंने ऐसा क्यों किया इसलिए क्योंकि मेरे पास नीचे मीटर है तो ऊपर वाला यूनिट भी मैंने सेम करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया अब जो मेरे पास ट्वेंटी फाइव का टेबल फिफ्टी पे टू टाइम जाता है ट्वेंटी फाइव टू जर फिफ्टी टू को थाउजेंड से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा टू थाउजेंड अब मीटर मीटर से काट जाएगा सेकंड ऊपर हो दो हजार सेकेंड हो गए ठीक हो गई ये मेरे पास अभी क्या हुआ है टाइम टाइम मेरे पास कितना आ गया जी अब आगे वो ए, क्या कह रहे हैं जी अच्छा किलो पर आर में चेंज करना है ना इसे क्या करना है पर आर में चेंज करना है तो इसलिए मैं क्या करूंगा टाइम इज इक्वल टू टू थाउजेंड डिवाइडेड बाय थर्टी सिक्स हंड्रेड और इसके साथ क्या होगा आर क्योंकि एक घंटे में साठ मिनट और साठ सेकेंड होते हैं तो मतलब इसलिए कि एक घंटे में टोटल जो सेकेंड होते हैं वो थर्टी सिक्स हंड्रेड होते हैं यानी एक घंटे में थर्टी सिक्स हंड्रेड सेकेंड होते हैं इसलिए इन सेकेंड को जब मैं थर्टी सिक्स हंड्रेड पर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये घंटों में चेंज हो जाएगा अब उसमें देखो क्या होगा ये वाले दो जीरो इन दो जीरो से कट गए ऊपर बचा मेरे पास ट्वेंटी नीचे मेरे पास क्या बचा थर्टी सिक्स और आर अब मैं फोर के टेबल से कटिंग करूंगा अब इधर देखो फोर फाइव जर ट्वेंटी और फोर नाइन जेरो थर्टी सिक्स तो मेरे पास जो टाइम है मेरे पास क्या आ गया फाइव बाय नाइन आर आ गया जी ठीक है ये मेरे पास पहला क्या फाइंड करना था टाइम फाइंड करना था वो मैंने फाइंड कर लिया अब मैं आगे चलता हूं पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी है दैट इज बी टू सी की बात टाइम टेकन टू ट्रेवल वन ट्वेंटी किलोमीटर अब मैं जहां जे जा लिखा है अब मैं लिखूंगा टाइम टेकन टू ट्रेवल वन ट्वेंटी किलोमीटर अब वन ट्वेंटी किलोमीटर जो है ना उसमें कितना टाइम लगा अगेन मेरे पास डिस्टेंस uh, उसने गिवन दे दिया डिस्टेंस जो है वो मेरे पास कितना है जी वन ट्वेंटी किलोमीटर है एंड देन वी हैव स्पीड एटी किलोमीटर पर आर और टाइम मैंने फाइंड करना है तो इसलिए मैं फार्मूला लगाऊंगा टाइम इज इक्वल टू डिटेंस डिवाइडेड बाई स्पीड तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है जी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी किलोमीटर है और स्पीड मेरे पास एटी किलोमीटर पर आर है अब यहाँ इन दोनों में जरा कंपैरिजन कर कीजिएगा इसमें देखें कि जब फिफ्टी किलोमीटर था तो 50 मैंने लिखा और किलोमीटर की जगह मैंने एक हज़ार मीटर लिखा लेकिन इस वाले केस में मैं नहीं करूँगा क्यों उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो नीचे वाला यूनिट था वो मीटर पर सेकंड में था ऊपर वाला किलोमीटर था तो इसलिए ऊपर वाले किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया जबकि इस वाले केस में दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो किलो किलोमीटर और किलोमीटर में दे दी दिए इसलिए मुझे जो मेरी स्पीड है वो ऑलरेडी किलोमीटर में दी हुई है तो इसलिए मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूंगा वन ट्वेंटी को किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करूँगा यहाँ पे मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि जो मेरी स्पीड थी वो किलोमीटर के बजाय मीटर पर सेकेंड में दी थी इसलिए मुझे इस डिस्टेंस को भी मीटर में चेंज करना पड़ा इसलिए ये देखें ये वाला जीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया किलोमीटर वाला किलोमीटर से कट गया फोर के टेबल से कैंसल करने है फोर टू जर एट और सॉरी फोर थ्री जो ट्वेल्व और फोर टू जर एट तो मेरे पास जो टाइम है वो कितना आ गया थ्री बाय टू आर ठीक है जी थ्री बाय टू आर या आप इसे लिख दें वन वन बाय टू आर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है टू वन जो टू और वन थ्री यानी इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं तो यू मेरे पास uh, ये चीज़ भी आ गई सेकेंड पार्ट भी हो गया अब मेरे पास लेके रहेगा थर्ड पार्ट दैट इज द सी पार्ट सी टू डी फाइनल पार्ट जो है uh, वो हम निकालना है अब हमने इसमें निकालना है डिस्टेंस uh, जो है ट्रेवल फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स डिस्टेंस ट्रेवल डिस्टेंस फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी ठीक है जी लास्ट पार्ट उसमें देखें मेरे पास क्या दिया हुआ है स्पीड दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है और आ, मैंने क्या फाइंड करना है डिस्टेंस फाइंड करना है. तो मेरे पास फार्मूला देखें कैसे होगा अब ये फार्मूला कैसे चेंज होगा डिस्टेंस इधर रह जाएगा ये स्पीड और टाइम स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इन टू टाइम और अब देखें मेरे पास स्पीड कितनी है स्पीड आप देख सकते हैं कि स्पीड है जी मेरे पास नाइनटी ये देख सकते हैं स्पीड की जगह मैं क्या लिख दूंगा नाइनटी टाइम टाइम मेरे पास थर्टी फाइव मिनट है गौर से समझिएगा थर्टी फाइव मिनट हैं कितने हैं जी थर्टी फाइव मिनट हैं इसलिए थर्टी फाइव डिवाइड बाय मैं सिक्सटी करूंगा क्यों क्योंकि घंटों के हिसाब से होगा पर आर के हिसाब से जो है डिस्टेंस और होता है इसलिए मैं थर्टी फाइव को मैंने जब सिक्सटी से डिवाइड किया वो इसलिए किया ताकि मेरे पास क्या आ जाए ये घंटे में चेंज हो जाए क्योंकि मिनट को मैं इस फार्मूले में नहीं पुट कर सकता क्योंकि यहाँ पर हमें घंटों की शक्ल में चीज चाहिए होती अब देखें तो ये वाला ए ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया फिर बारी रही है थ्री की अब देखिए थ्री थ्री जर नाइन थ्री के टेबल से और थ्री टू जर सिक्स कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या आ गया थ्री मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव डिवाइड को अच्छा तो जी थ्री थ्री जर नाइन थ्री टू जर सिक्स ठीक है डिवाइड बाय क्या आ गया टू तो इसको अगर मैं आगे फर्दर डिवाइड करूंगा ना तो जे किस तरह आ जाएगा जी 105 को अगर डिवाइड करो टू से टू फाइव सर टेन मेरे पास क्या आ जाएगा फाइव टू टू सर क्या बचेगा फोर मेरे पास क्या आ जाएगा जी वन तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा 52 वन बाय टू ए, टू ठीक है किलोमीटर पर आ रहा जी ठीक है सही हो होगी 52 किलोमीटर सॉरी डिस्टेंस किलोमीटर पाने डिस्टेंस 52 या इसको आप 52.5 टू भी लिख सकते हैं ठीक है आप इसको यूं भी लिख सकते हैं जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 52.5 किलोमीटर भी आ जाएगा अब यहाँ देखें मैं जो जो चीज़ें फाइंड की हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले मैंने यहाँ पर टाइम फाइंड करना था तो टाइम मेरे पास जो है आ, आ चुका है कितना जी आ, फाइव बाय ठीक है सेकेंड पार्ट में मैंने क्या फाइंड करना था टाइम फाइंड करना था अगेन मेरे पास ये वाला जो पार्ट है इसमें भी मेरे पास जो टाइम है वो आ चुका है थ्री बाय टू आर लास्ट पार्ट में मैं जी करना था, तो यूं मेरे पास जो डिस्टेंस है वो आ चुका है जी फिफ्टी टू पॉइंट फाइव आ चुका है ठीक है फिफ्टी टू पॉइंट फाइव किलो मीटर आ चुका है तो अब हमारे पास जो बच गया है लास्ट में जो टोटल इंटायर जर्नी की बात करते हैं ना एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी वो निकाल लें क्योंकि जगह कम है वीडियो को पास करके उतारें लास्ट पार्ट थोड़ा है इसका वो करना है तो आप मुझे जगह चाहिए होगी तो लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो आ, एवरी स्पीड फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी क्या करें इंटायर जर्नी आ, आ, एवरी स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी अब देखें एवरी स्पीड फॉर इन टायर ये आ रहे है टायर जर्नी हमने क्या करना है फाइंड करना है ठीक है इसके लिए क्या होगा एवरेज जो स्पीड होगी ना उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उसके लिए हमें मैं शार्ट करके फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस टोटल एक तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम ठीक है टोटल टाइम हमें चाहिए ठीक है ये चीज हमें चाहिए अब हमारे पास हर चीज यहां पर मौजूद है जो टोटल टाइम है ये टाइम ये टाइम और ये टाइम है फिर हमारे पास जो टोटल ए, उसके बाद डिस्टेंस है डिस्टेंस देखें फिफ्टी ये सारी चीज़ें हैं ठीक है थीके? मैं अलग अलग निकाल के फिर लास्ट में उसको डिवाइड करूंगा ठीक है अच्छा अब देखिए इसकी बात अगर करें तो इस फार्मूले को मैं दूसरी शक्ल में भी लिखूंगा लेकिन बाद में बताता हूँ पहले जो है ना टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूं मैं बल्कि इधर ही लिख लेता हूँ अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास देखो सबसे पहले डिस्टेंस कितना है ये वाले पार्ट में फिफ्टी किलोमीटर है तो देख ये देखें फिफ्टी लिख लिया फिर सेकेंड पार्ट में वन ट्वेंटी है तो ये मैं 120 लिख देता हूँ जो लास्ट पार्ट में डिस्टेंस है that is है वो मैं लिख लेता हूँ फिफ्टी टू पॉइंट फाइव है ठीक है टाइम की बात करूं तो मेरे पास जो पहला टाइम है फाइव बाई नाइन आ रहा है देखो फाइव बाई नाइन प्लस थ्री बाय टू थ्री बाई टू थ्री बाई टू के बाद लास्ट में मेरे पास क्या है थर्टी फाइव मिनट है ना तो लाजमी बात है ए, उससे मैं क्या करूँगा थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई सिक्सटी अब देखो मैं क्यों सिक्सटी कर रहा हूँ यार सिक्सटी में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये मिनट के बजाय मैंने इसे क्या करना है आर में चेंज करना है क्योंकि ये भी घंटों की शक्ल में ये भी घंटों की तो ये भी घंटे की शक्ल में होगा अब देखें सारों को मैं पहले ऐड कर लेता हूँ ये वाले जो है तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा जी Uh, 100 100 122.5 ये सारे ऊपर कितना हो जाएगा 122.5 ठीक हो गए अब ये देख सकते हैं ये जो नीचे लाइन है ना ये डिवाइड वाली है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना डिवाइडेड बाय 5 बाय 9 3 बाय 2 35 बाय 60 अब अगर जो लिखे हुए डिवीजन तो इसको ऐसे भी तो डिवीजन की शक्ल में लिखा जा सकता है ठीक है जी इसको ऐसे भी डिवीजन की शक्ल में लिखा जा सकता है कैसे जैसे فرض किया मेरे पास लिखा हो 5 डिवाइड बाय 9 लिखो तो उसको मैं लिख सकता हूं 5 डिवाइड बाय 9 यानी कि ये, ये फ्रैक्शन में और ये सिंबॉलिक डिवीजन में लिखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसलिए क्योंकि इसको यहां पर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको इजी होगा क्योंकि अब मैं इधर एल सी में लूंगा इधर भी एक स्टेप ऐसे होगा कि हो सकता है कि आप मिक्स अप ना कर दो तो इसलिए मैंने ये नीचे जो डी नोमिनेटर था उसको डिवाइड का साइन करके ऐसे लिख दिया ठीक है जी अब क्या है कि फाइव के टेबल से मैं इसे पहले कैंसिल कर लूँ ना फाइव सेवन जर थर्टी फाइव और फाइव ट्वेल्व जर थर्टी ठीक है अब ये आ गया जी वन डबल टू फाइव डिवाइडेड बाई टेन अब आप सोच रहे हो ये टेन कहाँ से आ गया या जी जो पॉइंट है ना इस पॉइंट की जगह वन और आगे एक डिजिट था फाइव के बाद एक डिजिट था इसलिए के बाद एक ए, के बाद एक जीरो लग गया ठीक है जी? अब डिवाइड का साइन ऐसे अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया जी फाइव बाई नाइन थ्री बाय टू गया अब इसको ना मैंने एलसीएम लेना अगर मैं नाइन टू और ट्वेल्व एलसीएम लू थर्टी सिक्स कैसे मैं यहाँ पे लिख के बताता हूं आपको देखिए टू है नाइन है एंड देन वी हैव इन सारों का एलसीएम टू वन जर नाइन पे टेबल टू का नहीं जाता टू सिक्सर फिर टू का टेबल वन नाइन पे नहीं जाता टू का टेबल थ्री टाइम अब थ्री का टेबल थ्री वन जर थ्री थ्री जर और थ्री वन जर फिर थ्री का टेबल थ्री ये वन थ्री वन जर और वन अब इन सारों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो टू टू जर फोर फोर थ्री जर ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री जर थर्टी सिक्स तो मेरे पास थर्टी सिक्स एल्सीय आता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा थर्टी सिक्स एल्सियम का वन डबल टू फाइव डिवाइडेड बाय टेन डिवाइडेड बाय अब यहाँ पे क्या होगा थर्टी सिक्स एल्सीयम आ रहा है ये देख सकते हैं मेरे पास क्या है थर्टी सिक्स एल्सीयम आ गया अब नाइन का टेबल थर्टी सिक्स पे फोर टाइम जाता है नाइन का टेबल थर्टी सिक्स पे फोर टाइम जाता है इसलिए फोर जाकर फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसी तरह टू का टेबल थर्टी सिक्स पे एटीन टाइम जाएगा तो थ्री के साथ एटीन मल्टीप्लाई होगा ट्वेल्व का टेबल थर्टी सिक्स पे थ्री टाइम जाता है इसलिए सेवन के साथ क्या होगा थ्री मल्टीप्लाई होगा हो गया हो। हो जी इधर आज वन डबल टू वन डबल टू फाइव वन डबल टू फाइव डिवाइडेड बाई वन ज़ीरो ज़रा इनको चेक कर लेंगे हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है चेक कर लूँ ये सारे इसी तरह होते हैं मेरे वैसे वन ट्वेंटी फिफ्टी एंड फिफ्टी टू पॉइंट फाइव फाइव टू एक अच्छा ठीक है जी अच्छा ये देखें एक एडिशन में यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था कि पॉइंट फाइव है ना देखें क्या हो गया टू फाइव और फाइव टेन और ट्वेल्व ट्वेल्व कर टू वन गया और वन और वन टू तो असल में ये टू हंड्रेड टू है ये क्या है बाई मिस्टेक मैंने टू नहीं लिख वन लिख दिया तो ये सारा क्या है टू है चलिए अच्छा वो फिर चेक कर लिया नेक्स्ट अब देखें डिवाइड का साइन देखें इन सारों को फोर फाइव जेड ट्वेंटी हो गया प्लस एटीन थ्री जेड फिफ्टी फोर हो गया एंड थ्री सेवन जेड ट्वेंटी हो गया डिवाइड बाय कितना हो गया जी थर्टी सिक्स हो गया। अब देखिए इन सारों को हमने ऐड करना है रफ साइड पे ऐड कर लेते हैं फिफ्टी फोर ट्वेंटी वन ट्वेंटी फाइव नाइन्टी फाइव ठीक हो जी देखो फोर वन फाइव टू टू फोर और फाइव नाइन अब मेरे पास आ, क्या हो गया टू 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 फाइव डिवाइड बाय टेन और इधर कितना हो गया जी नाइन्टी फाइव बल्कि आप ये ब्रैकेट है उनको खत्म कर देंगे क्योंकि सिंगल यूनिट में चेंज हो चुका है ऊपर आ, आ गए ये हमारे पास 95 और नीचे आ गए 36 ठीक हो गया अब जो है 2 2 2 5 डिवाइड बाय 10 डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें 36 ऊपर चला जाएगा और 95 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा अब देखिए 2 के टेबल से हमें हम अभी कटिंग करेंगे 2 जो है 5 10 एंड 2 18 36 अब फाइव का टेबल इधर भी जाते हैं कैसे फाइव वन जर फाइव फाइव फोर जर ट्वेंटी ट्वेंटी टू पे आ गया फिर टू बच फिर ट्वेंटी टू बन गया फाइव फोर जर ट्वेंटी फिर टू बच गया इधर क्या होगा ट्वेंटी फाइव तो फाइव फाइव जर क्या हो गया फोर्टी फाइव यानी फाइव का टेबल टू ट्वेंटी टू टू ट्रिपल टू, 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 टू फाइव पे फोर फोर फाइव टाइम जाते हैं अब इसको मैं एक दफा फिर दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ फोर फोर फाइव बच गया और इधर क्या बच गया एटीन बच गया और नीचे मेरे पास क्या आ गया नाइन्टी फाइव बच गया अब अगेन थोड़ी कटिंग होती है कटिंग करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे फाइव के टेबल्स फाइव एट जर फोर्टी एंड फाइव नाइन जर फोर्टी फाइव यानी फाइव एट जर फोर्टी हो गया एंड फाइव नाइन जर फोर्टी फाइव अब इधर फाइव वन जर फाइव फाइव नाइन जर फोर्टी फाइव अब मेरे पास क्या हो गया नाइनटीन बच गया अब मेरे पास ऊपर क्या बचा एटी नाइन एटीन और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी नाइनटीन अब मैं क्या करूँगा एटी नाइन और एटीन को मल्टीप्लाई करता हूं एटी नाइन को एटीन से मल्टीप्लाई करता हूं एट नाइन जर सेवनटी टू एट एट जर सिक्सटी फोर और सिक्सटी फोर वन हो गया ये नाइन आ गया और ये एट आ गया ये टू आ गया ये ज़ीरो आ गया ये कैरी आ गया सिक्सटीन ज़ीरो टू आ गया तो यूँ मेरे पास इनको मल्टीप्लाई किया तो सिक्सटीन ज़ीरो टू डिवाइड बाई मेरे पास क्या आ गया जी नाइन्टीन नाइनटीन uh, को मल्टीप्लाई करने है जी सिक्सटीन जीरो टू से ठीक है अब नाइनटीन uh, को ज़रा सेवन uh, से मल्टीप्लाई करके चेक uh, uh, अच्छा कर लेते एट नाइन ज़रा सेवनटी टू सेवन कह रही है जय से अच्छा जी सेवन वन जर से चौदह फोर्टी टू हो गया एट से मल्टीप्लाई कर लेते एट सॉरी एट नाइन देखो जी फिफ्टी टू आ गया यानी एट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया जी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी टू आ गया तो यहाँ हमारे पास कितना पीछे बचेगा जी एट ऊपर से क्या आ गया जी टू अब नाइनटीन को फोर से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी सेवेंटी सिक्स और पीछे क्या बचेगा सिक्स तो जो हमारे पास क्या आ जाएगी जो एवरेज स्पीड आएगी फॉर एंटायर जर्नी एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी है ठीक है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया एटी फोर सिक्स अवर नाइनटीन किलोमीटर पर आर तो यू मेरे पास इसका जो फाइनल uh, आंसर आ गया एटी फोर सिक्स बाय नाइनटीन किलोमीटर पर आर इसका यानी कि इंटायर जर्नी जो है यहाँ से लेकर यहां तक जो इंटायर जर्नी है उसमें जो एवरेज स्पीड होगी वो 84 किलोमीटर सिक्स बाय नाइनटीन एटी फोर सिक्स बाय नाइनटीन किलोमीटर पर आर होगी तो यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर नाइन था वो स्टूडेंट हो गया कम्प्लीट